हेलो दोस्तों, उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक होगे। और सबसे पहले तो मैंने जैसा कि तुम लोगों को कहा था कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिप हॉप का सीन क्रैक होया हुआ है, ऑन हुआ हुआ है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। खैर, अब सबसे पहले तो चैनके को बहुत मुबारक हो कि 3 लाख सब्सक्राइबर उसने क्रॉस कर लिए हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए कोई बड़ी बात नहीं, ये नहीं, लेकिन अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो भाई जो बात है वो है 3 लाख सब्सक्राइबर चैन के हो गए हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर पहला ऐसा आर्टिस्ट है जिसके 3 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। और इस बहस में नहीं मैं पढ़ना चाहता कि ये वो फलाना ढिमकाना, वो बहस अभी चल रही है और अभी मैं न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ। तो मुबारक हो चैन के को कि 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही कि चैन के अपने लिए इतनी मुश्किल क्यों डाल रहे हैं। सीरियसली, मतलब पहली तो बात यह है कि डिस ट्रैक और ये जो डिस है ये रैप डीमन यंग स्टनर्स चैन के बीच में 5 गाने वहाँ से निकल आए हैं, क्योंकि जाहिरी बात है हर बंदे को, आर्टिस्ट को गुस्सा चढ़ा है और उसने अपना अपना डिस्ट्रैक निकाला है। 5 गाने एक साइड से निकले हैं, 2 गाने इस साइड से निकले हैं, चैन के किधर है? अगर चैन के ये सोच रहा है कि मैं इनको एक वक्त आने पर टाइम मतलब आएगा तो मैं जब उनको जवाब दूंगा, तो वो तो बहुत देर हो गई है। सीरियसली, मतलब 5 ट्रैक निकल आए हैं, फैक्ट्स रेफरेंस कोई मज़हब को नहीं लेके आए 5 गानों के अंदर, और वो बात कर बैठे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि चैन के क्या कर रहा है और क्या स्ट्रेटजी है। ये तो मुझे पता है कि चैन के का गाना आएगा इन चीज़ों पे, लेकिन कब तक आएगा? और मैं सच बताऊँ तो ये 1-2 दिन ही हैं जिसमें चैन के को चाहिए कि अपना गाना फेंक दे, क्योंकि जितनी देर करी जाएगा उतना डाउन होता जाएगा। रेफरेंस इतने ज़्यादा आ चुके हैं, इतने ज़्यादा सवाल उठ चुके हैं कि चैन के को जवाब देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ, पर्सनल ये मेरा अपना ओपिनियन है कि चैन के मज़हब को ना लेके आए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ में मज़हब का कोई मतलब सीन नहीं है कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। मैंने ये नहीं देखना कि कोई चर्च पी रहा है तो मैं उसको सुन रहा हूँ इस वजह से, मैं क्योंकि सुन रहा हूँ आर्टिस्ट को और मैं हिप हॉप मैं सुन रहा हूँ, मैंने किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना। तो मैं चाहता हूँ कि चैन के इस चीज़ को ना लेके आए, बाकी कोई भी बात करेगा तो मैं उसका साथ दूंगा, और अगर सही बात हुई तो मैं बहुत ज़्यादा उसका साथ दूंगा, सीधी बात। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि चैन के अब गाना निकाल दे, क्योंकि बहुत देर करी जा रहा है चैन के। अब मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो हो चुके हैं डिस ट्रैक को निकले। पहली तो बात है, यहाँ से डिस ट्रैक निकले, वहाँ से 1 दिन का चैलेंज था, उसमें चैन के ने शुगर लगा लिया, लेकिन वो बहुत बचकाना हरकत मतलब थी हरकत, लेकिन मुझे मज़ा आया था। लेकिन अगर सीरियस होकर सोचा जाए तो वो चवल थी, सीधी बात है, अगर सीधी बात मैं करूं तो वो चवल थी। मतलब मज़ा मुझे बहुत आया था, हंस हंस के मैं पागल हो गया था, मैं इंतज़ार कर रहा था उसका डिस्ट्रैक्ट का ना, तो हल्की सी मुझे चवल लगी, क्योंकि आपको सीरियस होकर चलना पड़ता है, आपकी फेम की बात होती है। अगर आपका कोई फेम बर्बाद हो रहा है तो कम अज़ कम उसके लिए स्टैंड तो आपको करना पड़ेगा। ये कोई वो वाली बहस नहीं हो रही कि तू हिप हॉप आर्टिस्ट, ये हिप हॉप की बात नहीं है, ये हिप हॉप से ऊपर चली गई है बात, और ये अब सच्चाई पर बात है। अब व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब चैन के व्यूज़ ज़्यादा आएँ डिस्क पे या यंगस्टर्स के डिस्क पे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, अब बात है फैक्ट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैन के को वीडियो निकाल देनी चाहिए। मुझे ये, मैं जैसा कि पहले भी बोला कि मुझे पता है कि चैन के ने गाना निकालना है और वो इससे बच नहीं पाएगा। अगर उसने इससे बचने की कोशिश भी की या अपना काम करने की कोशिश भी की, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग बुरा भला बोलेंगे ही बोलेंगे जो मर्ज़ी हो जाए। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि 1-2 दिन के अंदर शायद चैन के को गाना निकाल देना चाहिए, नहीं तो जितना हार्ड डिस ट्रैक्स यंग स्टनर की तरफ से आ रहे हैं, अभी तक न्यूट्रल होकर मैं बोल रहा हूँ, यंग स्टनर्स का जो कहते हैं तराजू बहुत ऊपर, चैन के आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने शुरू हो गया। सनी खान दुरानी नहीं कर सकता कॉम्पिटिशन यंग स्टनर से, क्योंकि सनी खान है चैन के है, वही मैंने कहा ऊपर वाले ने जिसको जितनी इज्जत दी हुई है उस हिसाब से काम है। तला अंजुम का अभी डिस्ट्रैक नहीं आया, मतलब वो मैं जो गाना पीछे सुना लाम से लुमरी, डिस्ट्रैक इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं था क्योंकि हाँ आखिर में 5-6 लाइनें थी जो डिस्ट्रैक सीन था उसके अंदर, मतलब बहन के बोला था तो, लेकिन फिर भी प्रॉपर मुझे ऐसे लग रहा था तला अंजुम ने सिर्फ वार्म अप किया है, वो एक ट्रैप नहीं होता ट्रैप डाल रहे हैं। और तल्हा यूनस ने भी अभी तक मुझे लगता है ट्रैप डाला है, असल बम लोग हैं यार, मैंने इनका गाने सुने हुए हैं, अब जवाब शिकवा खोल के देखो, ब्लैक पैंथर देखो, सुन मार देते हैं, तो मुझे पता है कि ये ट्रैप कर रहे हैं। और जितने भी चैन के को सुनने वाले हैं, जितने भी यंगस्टर्स को सुनने वाले हैं, वो सबको पता है कि एक ट्रैप हो रहा है ये अभी। तो चैन के बाबा
आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन आपका गाना जब तक जितना डिले होगा उतना ही आपको नुकसान है, जितना जल्दी हो सकता है। और फैक्ट्स के ऊपर अगेन मज़हब को ना लेके, फैक्ट्स के ऊपर रेफरेंसेस लेके, यकीन जाने अगर आपका डिस्ट्रैक अच्छा हुआ तो मैं सबसे पहले आपकी साइड लूँगा, और अगर आपका बुरा हुआ तो शायद मैं साइड ना लूँ। तो मेरी तमाम लोगों से पहले तो दरख्वास्त है कि यार प्लीज़ न्यूट्रल होकर सुनो। अभी भी एक दूसरे को लोग गाली नहीं दे रहे हैं, मतलब मेरे रिएक्शन के नीचे यंगस्टर्स जो चैन के कि मैंने बढ़िया लड़ाइयाँ देखी हैं और 25-25, 50-50 कमेंट जो एक दूसरे को मुँह मानियाँ कर रहे हैं, ना करो यार, इन्जॉय करो, हिप हॉप को इन्जॉय करो। तो अगेन मुबारक हो चैन के को 3 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन जल्दी भाई जल्दी डिस्ट्रैक्ट पाएंगे। तो मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, और हाँ मैं वीडियो बनाता रहूँगा हर दिन जब तक ये सीन ख़त्म नहीं होता अपन इधर ही चाहे। तो मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो पे, तब तक के लिए यस कमांडो।